हेलो गाइस, आज पाइथन ट्यूटोरियल के नेक्स्ट सीरीज में हम लिस्ट के बारे में जानेंगे। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक टाइप से बिल्ट इन डाटा टाइप्स है पाइथन में, जिसका यूज़ हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा एज अ ग्रुप हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लाइक सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो लिस्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का लिस्ट। आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो आप लिस्ट बनाते हैं, ये चाहिए ये चाहिए। तो पाइथन में भी लिस्ट इसी तरह से काम करता है। तो लिस्ट एक बिल्ट इन डाटा टाइप डिफाइंड है पहले से पाइथन में, जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोड के थ्रू देखते हैं, लिस्ट वन टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर करेंगे। पहला वन ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया, सेकंड टू ये भी स्ट्रिंग टाइप, थर्ड हम इंटीजर टाइप का, एंड फोर्थ हम बुलियन टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू, तो आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट वन एक वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा और वैल्यूज स्टोर किए हुए हैं। 1, 2, 23, ट्रू, ये डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज है। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। मेनली लिस्ट हम एज अ स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करते हैं। और ये स्टोर कैसे होता है? लिस्ट स्टोर एज इंडेक्स्ड वैल्यू स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिस्ट वन में वैल्यू स्टोर किए 1, 2, 3 एंड 4, तो इंडेक्स वैल्यू कैसे होगा? सबसे पहले 1 जीरोथ इंडेक्स पे, देन 2 सेकंड इंडेक्स पे, फर्स्ट एंड 23 देन ट्रू बुलियन वैल्यूज। इसको हम सबसे पहले प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट होता है। लिस्ट वन प्रिंट लिस्ट वन रन करते हैं एंड आप देख सकते हैं ये प्रिंट किया है लिस्ट, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 1, 2, 23 एंड ट्रू। तो लिस्ट सिंपल होता है, एक डाटा टाइप है जिसमें हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज स्टोर करते हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप के वैल्यू को कंटेन कर सकता है एंड लिस्ट स्टोर कैसे करता है? एज ए इंडेक्स वैल्यू। जैसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट लिस्ट वन के जीरोथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। सिंपल इसको कॉपी करते हैं सेकेंड एंड थर्ड, तो प्रिंट करते हैं। लिस्ट जो स्टोर करेगा वैल्यू वो इंडेक्स वाइज होता है। सबसे पहले जो वन वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे होगा और टू वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे और 23 एट द सेकेंड इंडेक्स वैल्यू एंड टू एट द थर्ड। जीरो से स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है। जैसे इसकी लेंथ कितनी है लिस्ट की? लेंथ है 4 एंड रन करके देखते हैं, आप देख सकते हैं आउटपुट 1, 2, 23 एंड ट्रू। तो सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी? 1 एंड फर्स्ट इंडेक्स पे 2 एंड सेकंड इंडेक्स पे 23 एंड फोर्थ इंडेक्स पे ट्रू। अगर आप लेंथ ऑफ लिस्ट पता करना चाहते तो उसके लिए फंक्शन होता है लेंथ ऑफ लिस्ट वन। तो ये जो है आपको लेंथ फाइंड करके देगा लिस्ट का, दैट इज 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4। तो इंडेक्स वैल्यू ये डाटा स्टोर कैसे होगा? 4 माइनस 1, तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 3, दैट इज ये जितनी इसकी लेंथ होगी। लेंथ इसकी टोटल 4 है, 1, 2, 3, 4। तो ये इंडेक्स वैल्यू कैसे स्टोर होगा? 0 से 4 माइनस 1, 3 तक। तो ये लिस्ट होता है एंड लिस्ट में हम काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। लाइक
ये ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर में वैल्यू स्टोर करता है, लाइक 1 0th पे आया, 2 1 पे आया, 23 सेकंड पे आया, ट्रू थर्ड पे आया, और हम चेंज भी कर सकते हैं। लिस्ट यही है कि ये ऑर्डर में एज अ ऑर्डर स्टोर करता है वैल्यू, और हम इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड बाकी लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एंड ऑपरेशंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड फॉर डीप में जानेंगे लिस्ट क्या होता है। एंड इसके अलावा भी दो तीन टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं, डिक्शनरी हो गए, सेट हो गया, ये सब, तो टपल हो गया। लिस्ट के बाद हम टपल जानेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।